सत श्री अकाल जी, दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम इतिहास की गल दे विच। 22 सितंबर अज के दिन हुई सी ईरान इराक जंग की शुरुआत। ईरान इराक युद्ध 1980 के दहाके दौरान ईरान अते इराक विचकार लंबी फौजी लड़ाई जंग 22 सितंबर 1980 नूं शुरू हुई सी, जदों इराकी हथियारबंद बलों ने देशों की सांझी सरहद के नाल पछमी ईरान उत्ते हमला किया। लड़ाई 1988 की जगबंदी द्वारा खत्म हो गई सी। हालांकि 16 अगस्त 1990 नूं रस्मी शांति समझौते ते दस्तखत होने तक आम कूटनीतक संबंधों की मुड़ शुरुआत अते फौजां दी वापसी नहीं हुई सी। 1960 के दहाके के अखीर विच यूनाइटेड किंगडम ने फारस की खाड़ी तो पिछे हटन के अपने इरादे की घोषणा की, इस खेत्र की एक भू राजनीतिक पुनर्संरचना शुरू किया। ईरान अते इराक विचकार लंबे समय तो चली आ रही इलाकाई असहमति मुड़ शुरू हो गई। 1970 के दहाके दौरान तनाव का एक स्रोत बनिया रहा। इराक के नवे बाथ शासन नूं घर विच अस्थिरता का सामना करना पै रहा सी। इस दे असल शासक सद्दाम हुसैन ने 1975 विच इराक विच ईरानी दखलअंदाजी नूं बंद करन दे बदले विच देश दे कुछ दाव्यां नूं स्वीकार कर लिया। 1978 तो 1979 दी ईरानी क्रांति ने 1975 दे समझौतियां नूं शक्की स्थिति विच लिआंदा। समय समय ते सरहदी झड़पां होईआं। ईरान के इस्लामी गणराज के नेतावान ने शिया पादरियों द्वारा निर्देशित इस्लामी शासन की क्रांति की धारणा निर्यात करने की अपनी इच्छा का संकेत दिता। क्रांति के विचारधारक आर्किटेक्ट रूहुल्ला खोमेनी ने पहला ही इराक विच अपने विचारों लई सरोते लभ रहे सन, जदों अपनी जलावतनी दौरान उत्थे रह रहा सी। अप्रैल 1980 विच इराक के उप प्रधानमंत्री तारिक अजीज ईरानी इनकलाब के हमदर्द इराकी शिया द्वारा एक कतल की कोशिश विच बच गए। इस दौरान ईरान की नवी सरकार उदों ईरानी अतवादियों द्वारा तेहरान विच अमरीकी दूतावास नूं जब्त करन नूं लैके संयुक्त राज दे नाल टकराव विच सी। सद्दाम, जिसने 1975 दे समझौतियां नूं एक तरफा समझिया सी, उसने इस मौके खेतरी दावियां ते मुड़ दावा करन दा एक मौका देखिया, जो उसने पहलां स्वीकार किया सी, जिस विच खास तौर ते शत अल अरब शामिल सी। उसने वाधू मंगां वी कीतियां, जिस विच खुजेकस्तान विच अरब स्वैर निर्णय दे कुछ रूप शामिल हन। खुजस्तान ईरान विच एक अमीर तेल उत्पादक सरहदी खेतर है, जो कि ज़्यादातर नस्ली अरबां द्वारा वसिया होया सी। उसने यह भी मांग की कि ईरान अबू मूसा दे टापुआ अते फारस की खाड़ी दे टापुआ दा नियंत्रण छड देवे, जो ब्रिटिश सुरक्षा अधीन क्रमवार शारजा अते रास अल खैमा दे अरब शेखां द्वारा नियंत्रित सन। उन्हां नूं 1971 विच ईरान द्वारा जब्त कर लिया गया सी, जदों प्रोटेक्टोरेट खत्म हो गया सी। सितंबर 1980 विच इराकी फौज ने सावधानी नाल खुजेकस्तान विच एक विशाल मोर्चे दे नाल अगे वधी। ईरान दीआं फौजां ने कौरम शहर ते कब्जा कर लिया, पर अबादन दे महत्वपूर्ण तेल शुद्धिकरण केंद्र ते कब्जा करन विच असफल रहे। दिसंबर 1980 तक इराकी हमला अचानक मजबूत ईरानी विरोध दा सामना करन तो बाद ईरान दे अंदर लगभग 50 तो 75 मील तक पहुँच गया सी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्डस कौर एक ईरानी राज मिलशिया का दोष, जो शुरुआत विच इस्लामी क्रांति नूं अंदरूनी खतरियां तो सुरक्षित करन दा काम करदा सी, इस विच भी प्रभावशाली साबित होया। अप्रैल 1981 विच मिलिशिया दी जित ने ईरानी लीडरशिप नूं लड़ाई विच अपनी भूमिका नूं अगे वधाउण लई यकीन दवाया। अगले महीनियां विच इराकी बलां नूं जमीन देण लई मजबूर किया गया सी। सितंबर विच ईरानी बलां ने इराकियां नूं ईरान दी कारून नदी दे पार पिछे तक दिता। तेल भरपूर खेतरां विच टकराव केंद्रित होने के बावजूद विश्वव्यापी तेल के प्रभाव विच विघन हुण तक घट सी, पर 1984 विच युद्ध का कोई अंत नज़र ना आने के नाल दोवां देशां ने फारस की खाड़ी विच एक दूजे के तेल टैंकर शिपिंग ते हमला करना शुरू कर दिता। ईरान ने कुवैत अते होर खाड़ी राज्यां वल जाण वाले ट्रैक्टरां ते भी हमला किया, जिस नाल संयुक्त राज अते कई पछमी यूरोपीयन देशों ने बाकी दुनिया नूं तेल दे प्रवाह नूं यकीनी बनाउण लई फारस की खाड़ी विच जंगी जहाजां नूं तैनात करन लई प्रेरिया। टैंकर युद्ध, जिस विच 100 तों वध तेल ट्रैक्टरां ते हमले शामिल सन, उसने अंतरराष्ट्रीय हितां विच वाधा अते संघर्ष विच शमूलियत नूं दर्शाया। हवाई हमलों अते पाइपलाइन बंद होण दे नतीजे वजो वख-वख समयां ते दोवां देशां दी तेल निर्यात समर्था नूं बुरी तरह घटा दिता गया सी। नतीजे वजो उन्हां दी आमदनी अते विदेशी मुद्रा दी कमाई विच कमी ने देशां दे आर्थिक विकास प्रोग्रामां नूं रोक दिता सी। इराक दे युद्ध दे यतनां नूं सऊदी अरब, कुवैत अते होर गुआंढी अरब राजां द्वारा खुले तौर ते वित कीता गया सी अते संयुक्त राज अते सोवियत यूनियन द्वारा स्पष्ट तौर ते समर्थन कीता गया सी, जदों कि ईरान दे सिर्फ प्रमुख सहयोगी सीरिया अते लीबिया सन। युद्ध 20वीं सदी के अंत में सब तो विनाशकारी संघर्षों में एक सी। मरण वालों की गिनती बहुत ज़्यादा सी।
कुल मौतों का अंदाजा 10 लाख तो दुगना तक है। दोवां पासियां तो मरण वालियां दी गिनती शायद 5 लाख सी, पर ईरान नूं सब तो वध नुकसान होया। यह अंदाजा लगाया गया कि 1988 दौरान इराकी बलों द्वारा 50,000 तो 1 लाख कुर्द मारे गए सन। अगस्त 1990 विच इराक अते ईरान ने कूटनीतक संबंधां नूं बहाल किया अते इराक ने युद्ध के निपटारे लई ईरानी शर्तां लई सहमति दित्ती। इन्हां विच कब्जे वाले ईरानी खेतर तो इराकी फौजां दी वापसी, शात अल अरब जल मार्ग उत्ते प्रभुसत्ता दी वंड अते जंगी कैदियां दा वटांदरा शामिल सी, पर मार्च 2003 तक कैदियां दी अंतम अदला बदली पूरी नहीं हुई सी। इतिहास तो जुड़ी जरूरी जानकारी लई जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल। सत श्री अकाल।